नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पिछले 2 साल से कोरोना महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था बहुत ही बुरे हालत में है। महंगाई चरम पे, बेरोजगारी अलग आंख दिखा रही है, चारों तरफ त्राहि त्राहि है। ऐसे समय में मोदी सरकार ने डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन को नया आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। 31 जनवरी से बजट सत्र शुरू हो रहा है। 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। उससे पहले आर्थिक सर्वे भी पेश किया जाता है, जिसमें कि आर्थिक सलाहकार का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। उसके मद्देनज़र इस नियुक्ति को काफ़ी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले KB सुब्रमण्यम आर्थिक सलाहकार थे, लेकिन 3 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद वो वापस शैक्षणिक कार्य करने के लिए लौट गए थे और ये पद पिछले कुछ दिनों से खाली चल रहा था। कौन है नए आर्थिक सलाहकार, इन पे सुनिए जरा एक रिपोर्ट। नए मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन वर्ष 2019 से 2021 के बीच प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में पार्ट टाइम मेंबर रह चुके हैं। इसके अलावा वह एक लेखक, शिक्षक और परामर्शदाता जैसी कई भूमिकाएं निभा चुके हैं। वह भारत के नामचीन बिजनेस स्कूल और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की फैकल्टी रह चुके हैं, साथ ही सिंगापुर के कई शिक्षण संस्थानों में भी शिक्षण कार्य कर चुके हैं। वह IFMR ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस के डीन थे। इसके अलावा केरला यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे हैं। अनंत नागेश्वरन ने भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद IIMA से मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके अलावा उनके पास मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी के डॉक्टरेट की डिग्री भी है। काफ़ी अनुभवी है, चुनौतियाँ बड़ी है। जैसा कि आपने सुना, ये पहले भी आर्थिक परिषद के सदस्य के रूप में काम कर चुके हैं, काफ़ी अनुभवी है, शिक्षण का भी अनुभव है। अब इन्हें जो चुनौती मिली है, जो इस समय देश की अर्थव्यवस्था है उसको गति देने की चुनौती है, और इसमें नज़र रहेगी, पूरे देश की नज़र है कि जो बजट पेश किया जा रहा है वो अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने, महंगाई कम करने, आम आदमी को राहत देने के लिए उसमें क्या क्या व्यवस्था होने वाली है। तो आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।